सर्वप्रथमे आपणको पणा संक्रांति बा ओडिया नववर्षर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। आजर ए भिडियो आमे आपणको किछि एपरि उपाय मान विषय कहिबु जे उपाय को पणा संक्रांति दिन करिबा द्वारा भगवान हनुमान को कृपा प्राप्ति हेबा सहित आपणको घरे सुख समृद्धि और उन्नति हेबो, आपणकर आर्थिक समस्या सब दूर हेबो। बंधुगण एही महा विषुव पणा संक्रांति दिन भगवान हनुमान को पूजा करी एही उपाय को करिबा द्वारा आपणको गृहरे सुख समृद्धि लागि रहिथाय ओ आपणक समस्त मनोकामना पूर्ण होइथाय। प्रभु हनुमान भगवान शिव रुद्र अवतार अटंती से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती। पूर्वर बंधुगण भिडियोटी को गोटे लाइक कर कमेंट बॉक्स से जय हनुमान अवश्य लिखतु। हनुमान महाराज विषय यह कहुई कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नाही होए तात तुम पाही। तुलसीदास हनुमान भगवान को कहती हनुमान महाराज यह संसार क्यों कार्य जहाँ आपण तो सबु कार्य करने समर्थ अटंती। संकट से हनुमान छुड़ावे मनक्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान महाराज केमिति संकट थाउ केमिति भी समस्या रे आपण थांतु आपण को तुरंत मुक्ति दे थांती। एथिपाई संकट मोचन भगवान हनुमान को कुहा जाय थाए। एही वीडियो टी रे बहुत सुंदर भावरे कुहा जाय छि कि पणा संक्रांति दिन भगवान हनुमान को कौन चढ़ेबा द्वारा केउ फल प्राप्ति होई थाए। जेमिति आपन को चाकरी दरकार तो चाकरी पई आपन को कौन चढ़ेबा दरकार। व्यवसाय उन्नति चाहूले कौन चढ़ाइबा उचित। धन लाभ चाहूछंती ताहाले कौन चढ़ाइबा उचित। जदि आपनकर कोर्ट कचेरी रो मामला चालीछि लंबा समय रु तार किछि शुभ फल मिलूनाही ताहाले कौन चढ़ाइबा उचित। जदि आपनकर व्यापार मांदा चालीछि रोजगार भल हेई पारुनी ताहाले कौन चढ़ाइबा उचित। एही सब विषय उपर आज आम विस्तार रूप से जानिबा सेतिपई आपनकु अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भक्तिर सह कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम एवं जय हनुमान अवश्य लिखंतु। तेबे आसंतु जानिबा पणा संक्रांति दिन हनुमान महाराज को कौन चढ़ेबा दरकार आ कौन चढ़ेले आपनकु शुभ फल मिलिबो। सर्वप्रथम सामानटी हेला पानपत्र। जदि आपणक जीवन में बड़ संकट अच्छी आपण बहुत समस्या रोचंती मानसिक चिंतार रोचंती से आपण पणा संक्रांति दिन कौन सी भी हनुमान मंदिर कि निज घर पाखे मंदिर हनुमान महाराज को बीड़ा पान अर्पण कर दिंतु। बड़ रु बड़ समस्या आपण को भगवान हनुमान बाहर करदे। जदि आपण पणा संक्रांति दिन संध्या रे भगवान हनुमान को पानर बीड़ा अर्पण करती तो पान पत्र आपण जर्दा एवं चून देवे ना केवल मीठा पान साधारे बनईदे। जदि आपण घरे बनईबे तो पान पत्र दांठी काढ़ी दिंतु यापर ए लवंग गुजराती मिश्री केसर थी दिंतु आ पानर बीड़ा बन भगवान हनुमान को अर्पण कर दिंतु। लवंग निश्चय देवे जेतेबेले आपण भगवान हनुमान को बीड़िया पान अर्पण करिबे ध्यान रखिथिबे सही समय आपण प्रभु श्री रामंकर नाम 108 थर जप करिबे। श्री राम जय जय राम एही मंत्र को आपण 108 थर जप करंतु। हनुमान महाराज आपणकर समस्त समस्या को दूर करिबे एवं मन चाहूथिबा वरदान मध्य देबे। सबु प्रकार संकट सबु प्रकार बाधा सबु प्रकार असुविधा को दूर करिबे एहा द्वारा मनपसंद इच्छा पूर्ण होइजिबो। घरे भी एही उपाय को करि पारिबे मंदिर भी आपण करि पारिबे। घरे अर्पण कले पान बीड़ा को परदिन माटी रे पोती देबे। द्वितीय उपाय टी हेला पणा संक्रांति दिन जदि आपण भगवान हनुमान को लवंग गुजराती एवं गुआ चढ़ाइबे तेबे बहुत प्रसन्न होई थांती। आउ जदि आपण एही सब को शनिवार दिन आपण चढ़ाती ताहाले शनि दोष आपणकर दूर होइथाय। मंगलवार दिन चढ़िले मंगल दोष दूर होइथाय। जेमिति जेउ पुओ किंबा झियो को विवाह रे विलंब होउछि एमितिरे आपण पणा संक्रांति दिन एही तीनोटी जिनिष निश्चय भगवान हनुमान को चढ़ातु जहाद्वारा आपणकर एही समस्या सब दूर होइथाय। राशि तेलर दीपरे लवंग पकई पणा संक्रांति दिन भगवान हनुमान आरती करिले आपणकर सबु प्रकार संकट दूर करिथांती प्रभु हनुमान एवं धन मध्य प्राप्ति होइथाय। एहा सहित करजरु मध्य मुक्ति मिलिथाय।
तृतीय उपायटी हेला नड़िया। केबे केबे कौन होई थाए ना, जीवन रे अनेक असुविधा आसी थाए, धनर समस्या आसी थाए, तो गोटे छोट प्रयोग आपण करिबे। जेबे आपण को लागिबो धनर समस्या बढ़ी जाइछि, केही आपण को जीवन रे जादू मंत्रतंत्र करि देइछि किबा कहार नजर लागि जाइछि, तो पानी थिबा नड़िया नियंतु, एथिरे सिंदूर रे स्वस्तिक बनई दियंतु एवं लाल सूता बांधि दियंतु एवं सेही नड़िया को भगवान हनुमान को चरण रे रखि दियंतु। केवल गोटे नड़िया नेबे, 11 मंगलवार लगातार एमिति करंतु, थरे अर्पण करिबे उठै रखि देबे, आउ थरे अर्पण करिबे एमिति 11 मंगलवार करंतु। एही नड़िया को लाल कपड़ा रे सोरी सोई सहित बांधि घरर द्वार रे बांधि दियंतु। एथि द्वारा आपण को जीवन रो समस्त समस्या दूर होई जिवो, आपण को घर उपरे किबा आपण को उपरे लागिथिबा सब नजर हटि जिवो। जदि दर्शक बंधु आपणकर विश्वास हेउनाही, ताहाले एही उपाय को आपण थरे निश्चय करंतु। एही उपायटी आपण करिले तत्काल लाभ न होई पारे, किंतु धीरे धीरे एहा लाभ प्राप्ति करैबो, एहा आपणकर गरीबी निश्चित भाबरे दूर होई जिवो। जदि नडिया को लाल कपड़ा रे बांधि घरर सामना रे टांगी देबे, ताहाले घर भीतर को नकारात्मक ऊर्जा बा कोनसी प्रकार तंत्र मंत्रर गुणी गारेडीर ऊर्जा प्रवेश करि पारि न थाए, काहार भी नजर लागि न थाए। आपण आपणकर घरर सुरक्षा पई एही उपायटी अवश्य करि पारिबे। एहा परे हेउछि गुड़ चणार प्रसाद। गुड़ और चणार प्रसाद भगवान हनुमान महाराज को अत्यंत पसंद अटे। अनेक लोक यहाँ अर्पण करिबार मंदिर रे देखिथिबे, कौन पाई चढ़े थांती आज मुझे विषय कहिबी। गुड़ और चणा को चढ़ेले आपणकर मंगल दोष दूर होइथाय। जदि आपणक पाखरे किछि भी चढ़ेबार क्षमता नाही, ताहाले आपण गुड़ और चणा चढ़ांतु, जहाद्वारा हनुमान महाराज प्रसन्न होइथांती। आउ एही उपाय को आपण पणा संक्रांति दिन करिपारिबे, जहाद्वारा आपणकर मंगल दोष दूर होइथाय। एहा सो आपणकर गरीबी मध्य दूर होइथाय। कोर्ट कचेरी मामलें आपणकर विजय लाभ होइथाय। मन चाहूथिबा चाकरी मध्य आपणको प्राप्ति होइथाय। संकट को दूर करिबा पई पणा संक्रांति दिन भगवान हनुमान कर पूजा विशेष फलप्रद बोली कुहा जाय। कली जुगरे देवता मानक मध्यरे हनुमान शीघ्र प्रसन्न होइथांती, किंतु तांकर भक्ति पई मध्य नियम अछि। भगवान हनुमान कर पूजा रे शुद्धता उपरे विशेष ध्यान दिया जाय। जेउठारे आपण बजरंगबली को पूजा करंती से स्थान को स्वच्छता रखंतु। भगवान हनुमान को सहित माता अंजनी एवं श्रीराम को पूजा करंतु। आपणकर चिंताधारा को मध्य सुध रखंतु। संकट मोचन को पूजा रे लाल रंग व्यवहार करिबा सर्वोत्तम बोली विवेचना करा जाय। हनुमान जी को पूजा करिबा समय रे नाली पोशाक पिंधंतु, ताकु नाली फूल दियंतु, ताकु चरणामृत पंचामृत प्रदान करंतु नाही। बजरंग बलिंकर पूजा पूर्वरु गोटे दिन ब्रह्मचर्य पालन करंतु एवं काहा प्रति कोनसी अनिष्ट भावना रखंतु नाही। महिला माने हनुमान जी को पूजा करिबा समय रे आद्यो प्रतिमा को छुइबा उचित नुहे, शास्त्र रे एहा अशुभ बोली विवेचना करा जाय। जदि आपण को कुंडली रे मंगल खराब होई जाय, तो आपण को लागुछि कि मंगल दोष कारण रु सब बेले समस्या आसुछि, दुर्घटना रे जोगो भाई भौणी को सहित संपर्क भल रहु नाही, भूमि धन रे सुख नाही, सेते बेले पणा संक्रांति दिन जेते बेले आपण पूजा पाठ करिबा को जांती, तो दीप तळे लाल मसूरी डाली रो 2-4 दाना रखि जळांतु। मंगल को शांत करने गुड़ चीनी एवं बुटर भोग भगवान हनुमान को मंदिर जाए अर्पण करंतु, एहा द्वारा समस्त समस्या दूर होइथाय। भगवान हनुमान को जदि बुंदीर लड्डू अर्पण करिबे, तो आपण को समस्त ग्रह शांत हो जाती, मन पसंदर मनस्कामना पूर्ण होइथाय। लड्डू अर्पण कले भी पापी ग्रह भी काबूरे आसी जाती। अटार दीप, जदि आपण करजरे फसी रही, धनर बहुत समस्या अच्छी, तो गोटे छोट प्रयोग करंतु। अटा नहीं से आपण 5 दीप बनई दियंतु, बरगछर 5 पत्र नियंतु, संध्या समय एही प्रयोग करिबे। प्रत्येक पत्र उपरे गोटे लेखाएं दीप रखि दियंतु। एबे एही दीपरे तुलाबती एवं घी दियंतु एवं भगवान हनुमान मंदिर को जातु। गोटे थाली रे बरपत्र रखी 5 दीप ताहा उपरे रखि दियंतु। भगवान हनुमान मंदिर रे जाई जळे आळती करंतु। शनिदेव बाधा शांत रहिबो।
करजर समस्या दूर हो जीवन रे कष्ट समाप्त हेबो एवं जदि धन आसीबार रास्ता बंद थिबो तो ताहा मध्य खोली जीवो। ता सहित बंधुगण उस्त गछर पत्र रे भी माला बने भगवान हनुमान को अर्पण करबा उचित एहा द्वारा भी ऋण रु मुक्ति मिली थाए। आपण एथि पई 11 टी उस्त गछर पत्र नियंतु पत्र को धोई सफा करी नियंतु एहा परे एथिरे सिंदूर चमेली तेल किंबा घीओ रे मिसे समस्त पत्र उपरे श्री राम लेखंतु एवं एहा परे सब को लाल सूता रे बांधी एहा को भगवान हनुमान को गळा रे पिंधेई दियंतु। आपणक जीवन रे जेउ बिगिडी जाइथिबा काम ताहा ठीक हेबा को लागिबो जहा भी समस्या थिबो समाप्त होई जिवो एवं धन आसीबा को लागिबो। आपणक घरे जेउ छोटो पिला अछंती से माने बहुत बदमाश होई थांती आपण चाहंती जे पिला माने बहुत बुद्धिमान हुवंतु तो गोटे छोटो प्रयोग करंतु। आपण घरे घीओ सिंदूर गोटे पात्र रे लियंतु एहा को मिसाई भगवान हनुमान को देह रे अर्पण करंतु। जेबे भगवान हनुमान को एही सिंदूर लगेबे तो आपण को हाथ रे जे सिंदूर रही जीवो अल्प नै आसंतु निज पिलां को मथा रे एथिरे ही टीका करंतु एथि द्वारा आपण को पिलार एकाग्रता बढ़ी जीवो तांकर बुद्धि तेज हेबो सेमान को दृष्टि तेज हेबो सौभाग्य बढ़िबो सुख बढ़िबो दुर्घटना रो बंची रहिबे। एही सिंदूर रे भी जदि आपण को गाड़ी रे स्वस्तिक बनेबे तो आपण को गाड़ी सुरक्षित रहिबो। एबे आसंतु जानिबा भगवान हनुमान को पूजा रे एमिति केउ काम करिवे जहाँ द्वारा जीवन रे कष्ट सब समाप्त हो जीवो। आपण दीपरे सोरिष तेल दे दुईटी लवंग पकई दियंतु आपण संध्या समय रे दीप जाळिबे कर्पूर सहित भी आपण लवंग नै जळे पूरा घरे बुलेइ दियंतु एहा द्वारा नेगेटिव एनर्जी सब घर रो दूर होइथाय आपण को मनपसंद इच्छा पूर्ण होइथाय। जदि लवंग नथिबो ताहाले दुईटी नाली लंका पके जाळी परिबे नचेत हळदिया सोरिष दुई रु तीनोटी दाना पके जळे पूरा घरे बुलेई पारिबे एहा द्वारा भी अतृप्त आत्मा शांत रहिबे जीवन रे बाधा भी दूर होई जीवो। बंधुगण जदि आपणकर मनपसंद इच्छा पूर्ण हेउ नाही तो गोटे लेंबुरे चारोटी लवंग पकेई भगवान हनुमान को मंदिर रे बसी हनुमान चालीसा पढ़ी नियंतु एवं एहा को निज पाखरे रखंतु जहाँ भी मनस्कामना थिबो सफल होई जीवो। अनेक थर शत्रु बहुत हैरान करिथांती तो शत्रु को शांत करिबा पई एही प्रयोग करंतु। आपण चाहंती कि आपणक शत्रु आपणक सहित शत्रुता करिबा भूली जाउ तो एही प्रयोग को अवश्य करंतु। आपण कोळा डाली 38 टी अरुआ चावलर दाना 40 टी एवं गोटे लेंबू नियंतु घर बाहर आपण जेउठी भी अल्प जागा मिलिबो माटीर गात करंतु आपणकर शत्रुर नाम निज मनरे कही एहि सबकु पोती दियंतु एहा द्वारा शत्रु शांत होई जिवे आउ पछकु न बुली एका मुहा होई घर को फेरी आसंतु। एहि उपाय को आपण अवश्य करंतु आपणकर सब शत्रु मित्र रे परिवर्तन होई जिवे। तो बंधुगण जदि आपण एहि सब उपाय को करि नेबे ताहाले आपणक जीवन रे भगवान हनुमान कर कृपा प्राप्त हेबो। वीडियो पसंद आसी थिले वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी नेबे।